दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर किसी भी लड़की को अपनी मां की मौजूदगी में पहली सुहागरात मनाने की अजीब परंपरा है। दोस्तों यहां पर नाजायज संबंधों का बाजार इतना गर्म है कि इनके लिए मां बेटी या भाई बहन का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। इन्हें तो बस अपने मजे से मतलब है ना, बड़े बेशर्म लोगों का देश। लेकिन दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, इस वीडियो के अंत में हम इस देश के कुछ ऐसे घिनौने रिवाजों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप चौंक जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जिस देश के बारे में आज हम आपको जानकारियां देने वाले हैं उसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया का औपचारिक नाम ऑफिशियल ऑफ कोलंबिया है। कोलंबिया को पूरी तरह से आजादी 1813 में मिली। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है जो कि यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। यहाँ की औपचारिक भाषा स्पेनिश है। कोलंबिया की टोटल आबादी 4,97,00,000 है। कोलंबिया का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर रखा गया है। कोलंबिया एक ऐसा देश है जहां पर ज्यादातर समय सर्दी का मौसम नहीं होता है। कोलंबिया देश का एक तिहाई हिस्सा अमेजॉन जंगलों से घिरा हुआ है। कोलंबिया देश में एक कमाल की नदी पाई जाती है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यहां 7 रंगों का पानी बहता है। इस नदी का नाम क्रिस्टल है। इस नदी को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि पानी में रेनबो के इफेक्ट आ गए हैं। दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले कोलंबिया में सबसे ज्यादा पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। कोलंबिया देश के लोग एक दूसरे से बात करते समय या फिर हाथ मिलाते समय आंखों में आंखें डालकर बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। कोलंबिया के कानून के अनुसार वहां पर रेडियो और टीवी पर सुबह और शाम 6 बजे राष्ट्रीय गीत चलाना पड़ता है। 1991 में कोलंबिया की कैपिटल में सबसे ज्यादा मर्डर हुआ करते थे और उस समय यहाँ पर हर दिन 17 मर्डर हुआ करते थे। उन दिनों में कोलंबिया को मर्डर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता था। कोलंबिया में अगर कोई इंसान बैंक से बहुत सारे पैसे निकाल कर ले जा रहा हो तो पुलिस का काम होता है कि उसे सुरक्षित घर तक छोड़कर आए। कोलंबिया के लोग हर समय काफी ज्यादा खुश रहते हैं। इसके अलावा नाच गाना इन्हें बेहद ज्यादा पसंद होता है। दोस्तों शकीरा कोलंबिया की एक बहुत फेमस सिंगर है। कोलंबिया की औरतें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव मानी जाती है और जो महिलाएं कम अट्रैक्टिव होती हैं वो अपने आप को ज्यादा सुंदर बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेती है और ऐसा करना इस देश में काफी ज्यादा आम बात है। कोलंबिया देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो इंडिया से बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ के लोग काफी ज्यादा अमीर होते हैं और उनका लाइफस्टाइल भी काफी ज्यादा बढ़िया है। कोलंबिया में गरीबों और अमीरों के बीच का अंतर काफी ज्यादा है। कोलंबिया में मौजूद ज्यादातर लोग स्पेनिश भाषा में बात करना पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ के कल्चर में स्पेनिश कल्चर का प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल कोलंबिया में होता है जिसे बेरवा अमेरिकाना कहा जाता है। कोलंबिया में बहुत ही ज्यादा मात्रा में कोकेन का उत्पादन किया जाता है और यहाँ से कोकेन सबसे ज्यादा अमेरिका में भेजा जाता है। कोलंबिया की कुल आबादी लगभग 5 करोड़ है जिनमें से 90% से ज्यादा आबादी ईसाई धर्म का पालन करते हैं और दूसरा धर्म यहाँ पर 1% से भी कम है। दोस्तों शारीरिक संबंध बनाने से जुड़ी दुनिया में कई अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ के तो बारे में आपको पता होगा लेकिन कईयों के बारे में आप भी अनजान होंगे। लेकिन कोलंबिया में ऐसी सुहागरात की परंपरा है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल कोलंबिया में परंपरा है कि एक महिला को अपनी मां के सामने ही पहली बार अपने पति के साथ सेक्स करना पड़ता है। केवल इतना ही नहीं, मां इस क्रिया को देखती भी है। परंपरा ऐसी कि उड़ जाएंगे आपके होश। दरअसल अपने अलग कानून और परंपराओं की वजह से हमेशा चर्चा में रहने वाले कोलंबिया में जब कोई महिला अपने पति के साथ पहली बार सेक्स करती है तो उस वक्त उसकी माँ भी वहाँ मौजूद रहती है। वो अपनी बेटी को उसके पति के साथ संभोग करते हुए देखती भी है। यह अपने आप में एक अनूठी परंपरा है। कोलंबिया एक ऐसा देश है जहां पर ऑफिसों में लड़कों से ज्यादा लड़कियां बॉस होती है। कोलंबिया हर साल 20 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस देश में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं जिसके लिए हर साल इन्हें 18 दिन की छुट्टियाँ मिलती है। इंडिया के बाद सबसे ज्यादा छुट्टियाँ देने वाला कोलंबिया देश है। कोलंबिया का झंडा 3 रंगों से मिलाकर बनाया गया है। ऊपर पीली पट्टी, बीच में नीली पट्टी और नीचे लाल पट्टी को मिलाकर यह झंडा बनता है। यहाँ पर पीली पट्टी का मतलब होता है मुल्क में ज्यादा सोना है। नीला रंग समुंदरों को जाहिर करता है और लाल कलर आजादी में बहे हुए लहू का प्रतीक है। तो दोस्तों कोलंबिया की इन अजीबोगरीब परंपराओं के बारे में आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।